नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय न्यू दिल्ली के द्वारा 3 नवंबर 2017 को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2016 सेकंड पहले वाले जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उनके पेंशन रिवाइज करने के संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, उसके बारे में जैसे कि है ऑफिस मेमोरेंडम आपके सा मने है। और आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अधिसूचना आपके यूजफुल रहती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके और वह भी अपडेटेड रहे। आइए अब शुरू करते हैं दोस्तों। इस ऑफिस मेमोरेंडम में CPAO ने बताया है कि 12 मई 2017 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार 2016 सेकंड पहले वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज करने के संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई थी और सभी विभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिया गया था कि 12 मई 2017 के आदेश के अनुसार सभी पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज किया जाए, लेकिन 12 मई 2017 का आदेश उन पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए लागू नहीं होगा जो कि CCS पेंशन रूल 40 और 41 के अंतर्गत कंपल सरी रिटायरमेंट पेंशन या अनुकंपा भत्ता पा रहे थे और उन पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन का काम डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा 4 अगस्त 2016 को जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार किया जाना था, लेकिन यह लाइन 12 मई 2017 के आदेश में नहीं जुड़ पाई थी। इसलिए कुछ मंत्रालय और विभागों ने उन सभी पेंशनर्स जो कि कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन और अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहे थे उनका भी पेंशन रिवीजन 12 मई 2017 के आदेश के अनुसार कर दिया गया था जो कि गलत है। इसलिए ऐसे सभी मामलों को वापस कर दिया गया है और संबंधित पे एंड अकाउंट ऑफिस को भेजा जा रहा है और सभी विभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिया जाता है कि एस पेंशनर्स जो कि कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन और अनुकंपा भत्ता पा रहे हैं उनका पेंशन रिवीजन 12 मई 2017 के आदेश के अनुसार नहीं किया जाए और उनका पेंशन को 4 अगस्त 2016 के आदेश के अनुसार रिविजन किया जाए। तो केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन रिवाइज करने के संबंध में जारी किया गया यह लेटेस्ट ऑर्डर था। अधिसूचना आपके लिए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप पहले से ही कर चुके हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।